फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार लेशन जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि स्टॉप के साथ आईएनजी फॉर्म और स्टॉप के साथ इन्फिनिटिव यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इन दोनों टॉपिक्स में बहुत फर्क है। तो आइए फ्रेंड देखें कि किस सिचुएशन में आप स्टॉप के साथ आईएनजी फॉर्म और किस सिचुएशन में आप स्टॉप के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखें कि स्टॉप के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कब करते हैं। फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो कि मैंने कोई काम करना बंद कर दिया या कोई आदमी किसी काम को करना बंद कर दिया, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप स्टॉप के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो मैं प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। मैं सिगरेट पीना बंद कर दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई स्टॉप स्मोकिंग सिगरेट, यानी मैं सिगरेट पीना बंद कर दिया। वह चावल खाना बंद कर दी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी स्टॉप्ड ईटिंग राइस, यानी वह चावल खाने वाला काम को बंद कर दी। वह यहाँ आना बंद कर दिया, ही स्टॉप्ड कमिंग हियर। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि स्टॉप्ड के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई इंसान किसी काम को करना बंद कर दिया। आइए फ्रेंड्स, अब देखें कि स्टॉप के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी अगर आप फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा। फ्रेंड्स, स्टॉप के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि मैंने पहला काम बंद कर दिया दूसरा काम करने के लिए, यानी मैंने कोई एक काम बंद कर दिया दूसरा काम करने के लिए। जैसे ही स्टॉप्ड टू वॉच द फोर्ट, यानी वह किला देखने के लिए रुका। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस सेंटेंस में ये बताया गया कि कोई इंसान अपनी सफर को रोक दिया किसी दूसरे काम को करने के लिए, यानी किला देखने के लिए उसने अपनी सफर को रोक दिया। वह दुकान पर चाय पीने के लिए रुका, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही स्टॉप टू टेक टी ऑन द शॉप। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पर कोई इंसान एक काम को रोक दिया, एक काम को बंद कर दिया दूसरा काम करने के लिए। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। सी स्टॉप टू हियर द साउंड, यानी वह उस साउंड को सुनने के लिए रुकी। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का सेंस है कि वह चलना बंद कर दी या वो जो काम कर रही थी उस काम को करना बंद कर दी उस साउंड को सुनने के लिए, यानी उसने पहले काम को बंद कर दिया दूसरे काम को करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया। स्टॉप के साथ इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई इंसान एक काम को बंद कर दिया दूसरे काम को करने के लिए, और वही दूसरी तरफ हम स्टॉप के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई इंसान किसी काम को बंद कर दिया या किसी काम को रोक दिया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, यह मजेदार टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।